सरकार जून से गेहूं के निर्यात पर एक सीमा लागू कर सकती है। कई प्रमुख राज्यों में सरकारी खरीद को लेकर सुस्त प्रक्रिया देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। दरअसल इन दिनों गेहूं के लिए तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत बाजार में मिलना और असामान्य रूप से गर्म मौसम के चलते पैदावार में कमी का असर सरकारी खरीद पर दिख रहा है। वहीं खाद्य एवं सार्वजनिक विपणन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते किसान अपनी फसल सरकार को बेचने को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। इसके चलते पहले ही मौजूदा सीजन में गेहूं की कुल सरकारी खरीद का अनुमान घटाकर 1.95 करोड़ टन हो गया है। अगर मौजूदा हालात बने रहते हैं तो सरकार घरेलू खरीद को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर हो जाएगी। साथ ही मंत्रालय के कई अधिकारियों ने कहा है कि हालात पर पूरी नज़र बनी हुई है, ज़रूरत पड़ने पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा अनुमान में सरकार को जून के मध्य तक का समय मिलता है, तब तक खरीद का अंतिम आंकड़ा स्पष्ट हो जाएगा। यदि गेहूं पर बंदिशें लगाई जाती हैं तो बिक्री मूल्य तुरंत गिर जाएगा, जिससे किसान सरकारी खरीद की ओर रुख करने को मजबूर हो जाएंगे। इस तरह के कदम के अनुमान से किसान मौजूद बाजार व्यवस्था में तेजी से अपनी फसल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि निर्यात घटाने से जुड़े किसी भी कदम से सरकार की यूक्रेन और रूसी गेहूं की खरीदारों को लुभाने की योजना और दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्टर्स करने की उम्मीदों को झटका लग सकता है। सरकार ने 2022-23 में 1 करोड़ टन गेहूं के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। भले ही आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत 2 महीने के भीतर लगभग $1.4 अरब के गेहूं का निर्यात कर चुका है। वहीं निर्यातकों ने कहा है कि गेहूँ के निर्यात पर बंदिशों की आशंका के चलते गेहूँ की खरीद और तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।